पे ही रात काम करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे कि अगर हम दो चीज़ें, एक होती है कैलकुलेशंस, मतलब कि किसी दो सेल की वैल्यू को आपस में मैथमेटिकल ऑपरेटर के जरिए कैलकुलेट करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कैलकुलेशन पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करके हमने बहुत सारे कैलकुलेशन दिखी थी। तो कैलकुलेशन हुआ, तो एक होता है कि हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिसको आप लोग फार्मूला कहते हैं, उसको यूज करके उसके अंदर में सेल वैल्यू को, सेल एड्रेस को उसके अंदर इनपुट करना, जो भी इनपुट्स है इनपुट करना। तो बैकएंड में कैलकुलेशन चलता है और बैकएंड में कैलकुलेट होकर आपको रिजल्ट देता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्री डिफाइंड फार्मूले में क्या अंतर है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आपको खुद लॉजिक लेना होता है, खुद सेट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के लिए इतने सारे कैलकुलेशंस किए थे, लेकिन इसके अंदर पीवी का फार्मूला है, इजली डालिए और इजली निकल आएगा। तो प्री डिफाइंड फार्मूले, जिसको एक्सेल भाषा में फंक्शन कहा जाता है, वो आपके प्री डिफाइंड कैलकुलेटर होते हैं। उसमें आपको इनपुट देना है और आउटपुट लेना है। तो आपको इसमें सीखना है क्या है कि किस फॉर्मूले में क्या इनपुट डालने पे क्या आएगा, बस यही सीखना है आपको, समझे? किस इनपुट पे क्या आउटपुट दे रहा है। तो फॉर्मूले हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो फॉर्मूले हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे लॉजिकल से, बिकॉज कि विदाउट लॉजिक, विदाउट कंडीशंस, नो बडी परफॉर्म इन द कंप्यूटर एंड परफॉर्म इन द लाइफ। आप हमारे ज़िंदगी में या फिर कंप्यूटर के अंदर में विदाउट कंडीशंस आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब वर्क असाइन होता है तो उसमें कंडीशन होता है। जैसे कि आपको मैंने वर्क असाइन किया कि आप नेहरू प्लेस जाओ और लैपटॉप परचेज करके आओ। कंडीशन ये है कि लैपटॉप लेस देन 50,000 होना चाहिए। तो आपको नेहरू प्लेस जाके कंप्यूटर परचेज करना इज़ द वर्क। उस वर्क में हमने कंडीशन डाल दिया कि लेस प्राइस इज लेस देन 50,000, ठीक है? तो हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, माफ कीजिएगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर था। हाँ, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। भला कि नॉट इक्वल टू एक्सेल के अंदर में नहीं, मैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस तरह से लिखते हैं, बट एक्सेल में इस तरह का एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम जो करते हैं वो ये करते हैं। तो क्या हुआ कि अगर हमने बोला कि नॉट इक्वल टू 50, इसका मतलब क्या हुआ? 50 से ज़्यादा और 50 से कम, तो बचा 50। तो हम दो ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमारे इस सेल के अंदर में, मुझे चेक करना है कि कौन कौन 50 से बड़ा है, तो उसके लिए जस्ट हमें लॉजिकल ऑपरेटर देना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50। उज्ज्वल टहल क्या, थोड़ा टहल क्या, बैठो काफी देर से। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ऑपरेटर दे दिया, लेकिन आपको जब भी आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, जहां पे कंडीशन मैच करता है वहां पे आपको ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट आता है। हाँ, नहीं, जब आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हो तो आपका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, लेकिन अगर आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? फॉर्मूले, कंडीशन, जैसे कि इफ का फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला क्या करता है? इसके अंदर में ट्रू एंड फॉल्स हम एंटर करते हैं,
अगर आप ट्रू एंटर करोगे तो इस वैल्यू इस पार्ट को दिखाएगा, फॉल्स करोगे तो इस पार्ट को दिखाएगा। तो इसको कॉमा से आपको डालना है, जैसे मैंने बोला ट्रू इज ओके कॉमा, फिर मैंने यहां पे दे दिया पेंडिंग। तो इफ को मैंने बोला कि अगर यूजर ने B1 पे ट्रू इनपुट किया तो आप ओके को शो करो, अदरवाइज आप पेंडिंग से करो। तो कॉमा क्या होता है फॉर्मूले में? कॉमा होता है सेपरेटर, एक इनपुट से दूसरे इनपुट को सेपरेट करता है, इसको सेपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, तो आप दो दो कॉलम रखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट जो है ना B1 के जगह पे हम इफ के अंदर में डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक सेल पे हम पहले लॉजिक देंगे फिर इफ लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसके अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ ये बताने का आपको एक कंडीशन ये था कि लॉजिक ये जो कंडीशंस देते हैं, कंडीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ, ठीक है ना। ये इफ का पार्ट नहीं है, आया समझ में? अब इफ जब भी हम लगाते हैं तो इसमें देखिए, आप इफ लगाते हैं तो नीचे एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हो ना, नीचे एक्सप्रेशन आता है। प्रवीण जी, कोई डाउट तो नहीं आपको? आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा था, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर रख दिया था। तो यहां पे क्या है, लॉजिक टेस्ट। आपने देखा कि लॉजिक टेस्ट जो है नॉर्मल है, वैल्यू फ्री वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स इज द बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट में। तो ये बड़ी ब्रैकेट में क्या सीन है? तो नॉट ए इफ फॉर्मूला, एवरी फॉर्मूला के एक्सप्रेशन में जो बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट है ये ऑप्शनल है। जो हम इनपुट फॉर्मूले में डालते हैं वो दो तरह के होता है, एक रिक्वायर होता है, दूसरा हमारा ऑप्शनल होता है। जो बड़ी ब्रैकेट में है वो हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर हम इसमें से पेंडिंग को हटा दें फिर भी वह फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मैं ओके ओके हटा दूं और ये ना डालूं, कॉमा ना डालूं, कॉमा डालते पूरा होगा तो आपके एंट्री नहीं लगा। मतलब जो रिक्वायर है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन रिक्वायर नहीं है उसको आप नहीं कर सकते। शो नहीं करेगा, ब्लैंक आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि रिजल्ट कुछ आपने दिया ही नहीं। ठीक है, चलिए अब चलिए इफ के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इफ के कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे नेम लिखता हूं, और मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं। शॉर्ट कहां से करूंगा, एक मिनट, यहां से कस्टम शॉर्ट, माय डेटा हैज ए हेडर, ए टू जेड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से फिल्टर लगाना है सिर्फ यूनिक को, मतलब कि इंदर सिर्फ रखना है, मतलब हर नाम में से एक ही नाम को फिल्टर में रखना है। ऐसे दूसरा तरीका है लेकिन मैं इफ के साथ करना चाहता हूं, तो इस केस में क्या करूंगा, मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा कि इफ कि अगर ए सेलफोन नहीं, कि ए टू इज इक्वल टू ए वन, ये दोनों आपस में बराबर है तो यहां पे डी डी फॉर डुप्लीकेट, अदरवाइज यू यू फॉर यूनिक।
ठीक है। देखिए सर, ये वो डुप्लीकेट वैल्यू वाला सॉल्व बता देना, सिर्फ जो यूनिक वाला एक ही जो है, बाकी जो डुप्लीकेट है वो नहीं बताना। हमने डेटा पहले डेटा को क्या किया, शॉर्ट किया। शॉर्ट करने से क्या हुआ कि जितने भी नाम है ना वो एक जगह पे आ गया, इंद्र 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 इंद्र, ठीक है, कविता कविता। फिर हमने बोला कि अगर ए नाम इस नाम के आपस में बराबर मैच करता है तो यहाँ पे डी डी कर दे, मैं डुप्लीकेट कर दे, अदरवाइज यूनिक कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाम और नेम दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे यू आया। फिर नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, सही है, ये दोनों बराबर कर रहा है। जैसे यहाँ पे आया, दोनों आपस में चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, सेम मेथड से मान लो कि मुझे डी यू नहीं लिखना है, मुझे सीरियल नंबर देना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कि अगर ए बराबर है इसके तो, A1 A2 के बराबर है तो क्या करे, ऊपर वाले में एक मिनट, C1 में +1 कर दे, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करे। ठीक है, सेम मेथड पे चलो, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 वापस हो गया, 1 2 3 5 वापस 1 हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ 1 1 दूँ यहाँ पे, कि इस तरह से 1 आ जाए, जितने भी नेम है एक एक हर एक को एक नंबर साइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दूंगा कि इफ अगर ए इक्वल टू ए हो तो क्या हो, बराबर हो तो ऊपर वाला ही शो करे, वरना ऊपर वाले में +1 कर दे। मैंने बोला कि A2 इज इक्वल टू A1 तो D को शो करो, वरना D1 को +1 कर दो। तो ये तीनों एग्जांपल समझ में आया। प्रवीण जी आपको कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, नेम, एक मिनट रूप, मैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक सीरियल नंबर है और नेम है, और मैं यहाँ पे डेटा एंट्री वगैरह लिख रहा हूँ, बाकी और डेटा एंट्री है। तो जैसे मैं मतलब कि मैं नाम लिखा यहाँ पे, मान लीजिए पूजा लिखा और एंटर मारा, फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि इंदर लिखूँ, तो इंदर लिखते ही एंटर मारूँ तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ऐसे कंटिन्यू होना होते चला चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला दूंगा मैं कि इफ अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है, मतलब कि B3 इज इक्वल टू ब्लैंक तो क्या करे, ब्लैंक को शो करे, अदरवाइज अपने ऊपर वाले में +1 कर दे। मैंने क्या बोला कि B3 इक्वल टू ब्लैंक तो ब्लैंक ही शो करो, वरना A2 +1 मतलब अपने ऊपर वाले में +1 कर दो। जैसे मैं यहां पे नाम लिखूं, मैं यहां पे लिखा उदय, आ गया नीरज, नंबर आ जा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक लाइन छोड़ दिया, यहां पे लिखता हूं टीना, क्या वैल्यू है, वैल्यू है। अब इसको रोकना है तो इस पे आपको एक अलग कंसेप्ट, कंडीशन तो यही रहेगी जहां पे आपने A2 +1 किया है ना, वहां पे मैक्स +1 होगा। मैक्स क्या करता है कि उसके अंदर, मैक्स भी एक तरह का फॉर्मूला है, उसके अंदर में जो भी रेफरेंस होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। तो A2 बाई A2 +1, पहले बार A2 को फ्रीज कर दिया, फिर नीचे ड्रैग कर देता हूँ,
ठीक है। तो ये क्या हुआ कि पहले वाले को फ्रीज करने से फायदा क्या हुआ कि जब नीचे लेके आया तो मेरा ए टू फिक्स हुआ और यहाँ पे ए थ्री हो गया। तो ए टू से ए थ्री का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें प्लस वन, ए टू से ए फोर तक का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें प्लस वन। हाँ नहीं, ऊपर जो है वो 5 लाएगा। तो यानी अब टीना का फिर 6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली हाँ आगे ठीक है, आया समझ में? लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे पास कुछ एक फाइल है, उसमें कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्यों ना आप उस पर प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 5 6 है, एडवांस है, तो 5 तक की प्रैक्टिस आप करो, ठीक है? मैं भेज रहा हूँ क्योंकि इफ इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल के आप हर जो भी फॉर्मूला सीखोगे किसी न किसी फॉर्मूले के साथ आप इफ जरूर यूज करोगे, इसलिए इफ में आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो कल हम आपको एडवांस इफ के अंदर में मल्टीपल कंडीशंस लगाना और बाकी चीज करना हम कल की क्लास में आपको सिखाएंगे। कोई डाउट है आप लोगों के पास तो पूछ सकते हो। कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। जी हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। बोलिए। ओके, रिलेशनशिप से या नॉर्मल? हाँ एक मेरे सम ऑफ दो यहाँ पे के सम ऑफ द आरटीओ रिवेन्यू है ना, तो आपने एक मिनट इसमें मल्टीप्लाई किया है उसको आपने? ये मतलब कि इसमें कैलकुलेशन नहीं हुई है ना? एक बार रिफ्रेश करना दोनों को। रिफ्रेश करो ना एक बार सबको, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। और इसको करना है रिफ्रेश फिर। यहाँ पे आओ, एनालाइज के अंदर जाओ, नहीं पावर पीवर, पावर पीवर के अंदर मैनेज में, मैंने बेसिकली क्या किया ना,
बेस डेटा मेरे पास ये वाला है, मैंने इसके अगेंस्ट क्या किया कि ये इन दो टेबल में जो भी कॉमन था मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ अपने टेबल से, एक मिनट आपने यहाँ जो पे, है मेरे कैलकुलेटर। एक मिनट आपने यहाँ फिल्टर लगा रखा है डेटा में, आपका इसमें डेटा है फिल्टर है, फिल्टर हटाइएगा आप। नहीं, स्टार्टिंग में मैंने फिल्टर देखा है, ये आ रहा ना डॉक्टर सेल पे। हटा दो सारा फिल्टर में तो। नहीं हटेगा, इससे मेन डेटा में तो कोई फर्क नहीं आता होगा। उस आता है पीवर्ड में, फिल्टर से फर्क आता है। अब देखना आप पीवर्ड पे जाना, नहीं फर्क नहीं पड़ा। ये हो सकता है ना इसमें जो इसमें यूनिक आईडी मुझे का। पूछिए, हाँ ये मेरी कैलकुलेटेड फील्ड है, मतलब ये हाँ रिलेटेड का जो फॉर्मूला जो आपने बताया था वो मैं लेके यहाँ से लेके आ गया हूँ, राइट, हाँ इसे फॉर्मूला जो आपने बताया था। इसमें देखिए, इसमें सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें देखिए आपका जो कल रिलेटेड जो आया है ना उसे बताता हूँ आपका, ऐसा ना इसमें जो ब्लैंक क्यों है मतलब कि डेटा इसको यहाँ पे मिला नहीं है, इसके आईडी जो है मैच नहीं कर रहा है। वो तो सही है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बेसिकली क्या है कि मैंने जितना सेल किया उसके अगेंस्ट क्या रिटर्न आया, तो जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे रिटर्न तो जीरो ही होगा ना, वहाँ पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक कैटेगरी, तो दैट्स ओके, यहाँ पे भी ये ठीक है। अब मैं जब इसको परसेंटेज निकाल रहा हूँ ना, तो देखो कैलकुलेट में क्या इशू आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने डिवाइड करके वो लगाया रिजल्ट निकाला वहाँ, लेकिन ये इसके साथ अगर मैं यहाँ पे ये वाली फील्ड यहाँ पे रख देता हूँ, देखिए ये मेरा परसेंटेज है, यहाँ पर देखिए परसेंटेज का उसने सम कर दिया, यहाँ इसके अंदर में आप परसेंटेज ऐसे नहीं कर सकते, वो परसेंटेज ओवरऑल नहीं कर रहा है, वो सम कर रहा है, टू परसेंट 3% 5%। जब आपको बनानी हो तो फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना, ये ना कि आरटी और रेवेन्यू डिवाइड करना है ना इसको इससे, तो आपको कैलकुलेटर फील्ड के अंदर जाया करना पड़ेगा फिर, वो जो हम डिफाइन करते हैं। नहीं लगती यार। मैं यहाँ पे जाता हूँ एनालाइज पे गया और तो मैंने कोशिश कर ली, कैलकुलेटर फिट लगती नहीं, मुझे इसका मतलब है कि डिवाइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अच्छा मैं देख लेती हूँ मैं पे जाती हूँ, मैंने डिवाइड तो फिर ये क्या, ये तो पूरा सम कर, कर दिया। ये तो पूरा सम कर देगा ना, 50%, 40%, 10% आपस में सम कर देगा इसको। प्रॉब्लम पता कहाँ पे है, प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होती हाँ तो कहीं ना कहीं रिजल्ट सही आता, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे तो जीरो जो है वहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं है, जब भी यहाँ पे जीरो हो जाता है ना तो वो एग्जैक्टली इसको जीरो ही काउंट, मतलब इसको ब्लैंक कर देता है, वो सकता है कि अगर जीरो काउंट कर देगा तो बिल्कुल सही आएगा। अब देखना पड़ेगा सर, इसके लिए इफ लगा के देखो, इफ लगा के जीरो करो, इसकी कंडीशन नहीं लेता ये, नहीं पहले ये नहीं लेता, लेता ये, इफ की कंडीशन लेगा ये, इफ लेता है, मैंने इफ लगाया है इसमें मैंने। हाँ नहीं, इफ लगाइए, इफ लगाइए। कंडीशन तो दीजिए, आपने कंडीशन तो कुछ दिया ही नहीं, आप इक्वल कीजिए ना, कॉमा कर दिया आपने।
जीरो करो, जीरो फिर कॉपी पेस्ट कर दो आप बाकी जो फॉर्मूला है उसको। कॉमा कीजिए, कॉमा, एक मिनट कॉमा डालिए, कॉमा। एक मिनट, आप यहाँ पे आपने ट्रू पार्ट तो दिया, फॉल्स पार्ट तो आपने दिया ही नहीं। अदरवाइज कॉमा डालिए, बाकी फॉर्मूला कोई डिवाइड का फॉर्मूला डालिएगा ना। हाँ, वो कॉमा डाला हुआ है, डल गया कॉमा, सही है। अभी ये फॉर्मूला जो डिवाइड का है वो पेस्ट करना पड़ेगा आपको। नहीं, एंटर मारे कोई दिक्कत, ऊपर वाले नहीं लगेगा। और तुम गलत कर रहे हो, पहले ये फॉर्मूले, नहीं, एक है मुझे कंट्रोल दो। आप डिवाइड का फॉर्मूला दोबारा लगाओगे ना, एक तो कंडीशन में चला गया, दूसरा रिजल्ट में नहीं डालोगे आप। अगर जीरो ना हो तो ब्लैंक ना हो तो क्या आएगा? नहीं, अगर अगर एक ए जो ए दो डिवाइड का फॉर्मूला है, अगर ब्लैंक नहीं हुआ तो क्या आएगा? ब्रैकेट क्लोज करो। नहीं, इन्वर्टर कमा नहीं होगा। नहीं, ब्रैकेट दो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर मारो। यहाँ पे आपका डिवाइड में एरर आ रहा है, ब्लैंक की जगह जीरो करना। इन्वर्टर कॉमा में नहीं, विदाउट इन्वर्टर कॉमा। इन्वर्टर कॉमा सिर्फ टेक्स्ट के लिए लगता है। इसे मैं थोड़ा आरएनडी करके आपको बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पावर पिवट मेरे लिए भी नया ही है जितना आप लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे 6-7 महीने हुए इसको यूज किए हुए। मैं इसके ऊपर एक एरर लगा रहा था, तो उसने मेरे को बता दिया था, पहले मैं एक एरर के साथ सेम कॉर्पोरेट लगाया था,